सो हे गाइस, मेरा नाम सुबोध अधिकारी है। मैं दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से रहने वाला हूँ। तो मैं आज आप सब लोगों के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है DPDR का, वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं पहले सिगरेट लेता था। आई एम स्ट्रेटली कमिंग टू द पॉइंट गाइस। तो मैं पहले सिगरेट लेता था, 3-4 सिगरेट लेता था। तो नॉर्मल, जब मैं नॉर्मल था तब मैं लेता था, बाकी मैं कुछ नहीं लेता था। मैं बाकी कुछ भी चीज़ नहीं लेता था, बस मैं सिगरेट लेता था। तो ये मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी तब। और एक दिन सडनली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। 2019 नवंबर 16th को उसने सुसाइड कर लिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने। तो उसके बाद मैं एकदम ट्रॉमा में था। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। तो उसके सुसाइड के बाद मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया था। मेरा तब प्री बोर्ड चल रहा था 12th का। तो मुझे लगा कि इवन आई शुड कमिट सुसाइड। तो मैंने 24th या फिर 26th को मैंने पैरासीटामोल लिया, 80 टैबलेट्स पैरासीटामोल 650 mg मैंने लिया था। तब रात को मुझे एकदम 11 बजे मुझे उल्टी आई। मैंने उठ कर मैंने उल्टी की, मतलब वॉमिट किया, और मैं फिर से सो गया। मुझे और मैं 12 बजे फिर से मेरे पेट में अजीब सा दर्द होने लगा। तो मैंने रात के 12 बजे जब मुझे फिर से वॉमिट आई तो मुझे खून उल्टी हुआ। तब मैंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया और मुझे हॉस्पिटल ले गए, और वहाँ पर एंटी वॉमिटिंग इंजेक्शन मुझे दे दिया गया। और मैंने 3 दिन बाद, मतलब मैंने अपना प्री बोर्ड्स भी दिया, और मैंने 3 दिन बाद मैंने अपने घर को बताया, घर वालों को बताया कि मैंने एकदम सुसाइडल अटैम्प्ट था मेरा। तो उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, दूसरा बड़ा हॉस्पिटल SMU सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ले जाया गया। और वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट हुआ। तो वहाँ पर डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि यू शुड कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। तो उसके बाद मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया, और वहाँ पर साइकेट्रिस्ट ने बोला कि मुझे डिप्रेशन है। तो वहाँ पर मेडिकेशन मुझे दे दिया गया था, लेकिन डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट था उसने मुझे बताया कि आप लीवर का दवाई पहले ले लीजिए और उसके बाद डिप्रेशन का दवाई ले लीजिए। तो वहीं पर मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। अगर मैंने डिप्रेशन का दवाई लिया होता पहले, तो शायद मुझे डिप्रेशन नहीं होता। लेकिन पहले मैंने चूज़ किया कि मुझे लीवर ठीक करना है, तो मैंने लीवर का दवाई लिया। उसके बाद मेरा लीवर ठीक हो गया। मैंने डिप्रेशन का कुछ ध्यान नहीं दिया, तो मैंने डिप्रेशन का दवाई लिया ही नहीं। उसके बाद मेरा चालू हुआ, मैंने जॉइंट लेना चालू कर दिया, मैंने अल्कोहल लेना चालू कर दिया, मैंने सब कुछ ट्राई किया था। और एक दिन अचानक मैं पैसे ही टहल रहा था, तो मैंने सिगरेट लिया, 2 सिगरेट कंटिन्यूसली लिया। और उसके बाद तुरंत बाद मुझे पता चला कि आई वॉज गेटिंग हाई। मुझे ऐसा लगा कि मैंने वीड लिया है, जैसे कि जैसे वीड में होता है बिल्कुल वैसा ही होने लगा। और मैं तुरंत उसके बाद वहाँ पर मैं सो गया। तो सोने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच कर ले जा रहा है, अनरियलिस्टिक सा फील होने लगा। तो उसके बाद मैंने अपने घर पे कॉल किया, और मैं घर पे चला आया, और मैं घर पे सो गया। तो उसके दूसरे दिन बाद तो मुझे ठीक हो गया, लेकिन फिर से 2 या 3 दिन बाद मुझे फिर से वैसा ही फील होने लगा। मैंने वीड एकदम लेना, मैंने सोचा था कि मैं वीड अब नहीं लूँगा, लेकिन उसके बाद भी मुझे वैसा ही फील हुआ, मैं अनरियलिस्टिक सा फील करने लगा। और उसके बाद मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे MDD हो गया है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो फिर से मैं मेडिकेशन पे चला गया, लेकिन मेडिकेशन का कोई भी असर नहीं था। तो मैं वहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो गया था करीब 1 हफ्ते के लिए, और 1 वीक के लिए मैं वहाँ पर हॉस्पिटलाइज था। लेकिन वहाँ पर भी कुछ भी असर नहीं था, मेरा जो मुझे जो अनरियलिस्टिक फील होने लगा था वो उसका कोई भी असर नहीं था। और जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया तो तब मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे पूरा दिन ही वैसा फील हो रहा है, 24/7 पूरा वैसा फील हो रहा है। तब मैंने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे DPDR हो गया है, डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन। ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है, रेयर है, लेकिन दुनिया में 50% लोगों को ये एक बार होता है, करीब कम से कम समय के लिए, 1 मिनट, आधा मिनट, या फिर 1 दिन 2 दिन के लिए होता है। लेकिन जो डिसऑर्डर होता है वो बहुत ही रेयर है। तो उसमें ऐसा फील होता है कि आई एम हाई, सीधी भाषा में बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम हाई, ऐसा ड्रीम लगता है। डीरियलाइजेशन ऐसा है कि अपना सराउंडिंग जो है वो एकदम फेक लगता है, कुछ भी रियल नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि मैं ड्रीम में हूँ, डीरियलाइजेशन ऐसा होता है।
और जो डीप पर्सनलाइजेशन होता है उसमें ऐसा होता है कि अपने आप को पहचान ही नहीं पाते, ऐसा लगता है कि आई एम टेकिंग द एक्सटीरियर व्यू ऑफ माई सेल्फ, अब मेरी शरीर कोई और चला रहा है ऐसा लगता है। और मुझे वैसा ही फील होता है 2020 जनवरी से मुझे ऐसा ही फील है। अभी 2021 मई है, 1.5 साल हो गया लेकिन मुझे अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टर को कंसल्ट किया, मैंने CMC वेल्लोर पे भी जाके ट्राई किया लेकिन मुझे अभी तक कोई भी असर नहीं दिखाई दिया है। मेरी एंजाइटी हाई है और मैं थोड़ा हॉट हेडेड हूँ, तो डॉक्टर ने बोला था कि ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो ये जो DPDR में क्या होता है कि मतलब अनरियलिस्टिक सा फील होता है, अपने आप को मतलब कोई ड्रीम में हो जैसा वैसा लगता है। मैंने ट्राई भी किया था, मैंने योगा मैंने ट्राई किया, मैंने मेडिटेशन ट्राई किया, मैंने मेडिकेशन का भी कोई ज़्यादा असर नहीं होता। सबसे बड़ी मतलब बात यह है कि इसकी कोई पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक दवाई नहीं है। और ये जो इसका जो सिम्टम होता है, मैंने पहले भी बता दिया था कि अनरियलिस्टिक सा फील होने लगना, और ऐसा लगता है कि जब भी मैं कोई क्राउड पे चला जाता हूँ मुझे लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है, जब मैं अकेला होता हूँ तभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, बल्कि मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो। और ये इसमें ये जो DPDR में बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल जो होता है वीड अल्कोहल जो भी नशा आप करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप अगर आपको DPDR है या फिर अगर आपके किसी भी दोस्त को DPDR है तो आप बोलिए कि उसको क्विट करे वीड या फिर अल्कोहल या फिर सिगरेट भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि वो जो डोपामिन रिलीज़ करता है, डोपामिन थोड़ी देर के लिए खुशी मतलब हैप्पीनेस डोपामिन जो रिलीज़ होता है उसके वजह से थोड़ा हैप्पीनेस ज़रूर होता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पाता है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट बनाता है अपने शरीर को नहीं लेकिन दिमाग को, शरीर को भी हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन ये जो DPDR है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल माना गया है ये सिगरेट। मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ रिकवर करने की, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, मेडिकेशन भी कर रहा हूँ, योगा एंग्जाइटी रिलीफ पिल्स भी ले रहा हूँ, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा। लेकिन आई थिंक कि आई होप मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन होप इज़ गुड। सो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अगर आपको अगर DPDR है या फिर आपके दोस्तों को है तो आप प्लीज़ उनसे बोलिए कि नशा वगैरह कुछ मत कीजिए। मैंने भी क्विट कर दिया है बहुत पहले मैंने क्विट कर दिया है, और अगेन सीधा इफेक्ट थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होगा। और योगा कीजिए, मेडिटेशन का भी थोड़ा इफेक्ट होगा, मुझे भी मैंने भी ज़्यादा नहीं हुआ किया हुआ लेकिन मुझे थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखाई दे रहा है।